श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर, विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेशन जो पढ़ेंगे उसमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किस तरह से किया जाता है उसको लिंग वचन और अपना जो भी कर्ता कर्म क्रिया इन सबको अपन को देखना है, तब जाकर के एक हिंदी से संस्कृत में अपन एक शब्द या वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले लिंग का ज्ञान होना चाहिए कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं, कर्ता कौन है, क्रिया कर्म, ठीक है, उसका अपन को सब करना जानना चाहिए। तो देखिए अपन सब पढ़ चुके हैं पूर्व में भी, पूर्व की वीडियो में भी, कि सबसे पहले अपना जो वाक्य बनाते हैं उसमें देखिए सबसे पहले तो वाक्य में कर्ता अनुवाद प्रकरण अनुवाद प्रकरण है हिंदी से संस्कृत प्रकरण। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो कर्ता देखा होता है, ठीक है, कर्ता के बाद में आता है अपना। तो देखिए अब अपन को बात आती है कर्ता, कर्ता में अपन क्या देखना, सबसे पहले अपन रख लिया कर्ता, ठीक है, एक वाक्य निर्माण के लिए इन चीजों को जानना अति आवश्यक है। कर्ता कौन होता है, जो किसी कार्य को करने वाला होता है, ठीक है, वो कौन होता है, कर्ता होता है, ठीक है। कर्ता का क्रिया के साथ क्या होता है, संबंध होता है, क्रिया के साथ क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। और कर्म जो कार्य किया जाता है वो कर्म कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कर्म कहलाता है। अब बात आती है कर्ता, तो देखिए कर्ता के लिए अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, कर्ता के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कर्ता का लिंग, क्या देखेंगे, लिंग, कि कर्ता कौन से लिंग का है, फिर देखेंगे वचन कौन से वचन का, ठीक है, उसके बाद लिंग देखेंगे, वचन देख लिया, और उसके बाद देखेंगे पुरुष, तो पुरुष वचन और लिंग, ये तीन चीजों का ज्ञान आवश्यक है। देखिए लिंग में क्या है, लिंग में देखना पड़ता है इन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है, लिंग में देखना होगा कि पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है, इन चीजों को अपन को जानना है। अब वचन में क्या देखना पड़ेगा, कि वचन में देखना पड़ेगा एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन, ठीक है। उसके बाद अपन को देखना पड़ेगा पुरुष, पुरुष में क्या देखना पड़ेगा,
कर्ता प्रथम पुरुष का है, अथवा मध्यम पुरुष का है, अथवा उत्तम पुरुष का है। इन चीजों को जानना आवश्यक है। तो देखिए, ठीक है, अब देखिए यहां प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है, ये कौन होता है प्रथम पुरुष, और मध्यम पुरुष कौन होता है, उत्तम पुरुष कौन होता है। तो ठीक है, मध्यम तो देखिए प्रथम पुरुष जो वक्ता होता है, कहने वाला होता है, प्रथम पुरुष क्या होता है। मध्यम पुरुष सुनने वाला, मध्यम पुरुष कौन होता है, सुनने वाला होता है, ठीक है, जो वक्ता होता है। और उत्तम पुरुष जो होता है वो आदेश देने वाला, ठीक है, कहने वाला, वक्ता, ये होता है। तो यहां देखिए जिसे कहा जाए प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और वक्ता या कहने वाला उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। अब देखिए बात यहां आती है कि पुल्लिंग का है, ठीक है, प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष के तीन होते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, बहुत सीधा तरीका है हिंदी संस्कृत बनाने के लिए। और मध्यम पुरुष के सब एक जैसे रहते हैं, तुम, ठीक है, और उत्तम पुरुष के भी एक जैसे रहते हैं, ठीक है। यहां देखिए यदि कर्ता पुल्लिंग का एक वचन है, ठीक है ना, तो क्रिया भी उसी के अनुसार आती है। अब देखिए यदि अपन साधारण वाक्य बनाते हैं, अपने लकार है, लकारों का प्रयोग भी इसमें काम लिया जाता है। लकार अपने कितने होते हैं, संस्कृत में लकार होते हैं 10, कितने लकार होते हैं 10, लेकिन यहां अपने जो काम में लिए जाएंगे वो है 5 लकार, ठीक है। लट लकार जिसको वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार जिसको भविष्य काल कहते हैं, और लंग लकार जिसको अनंत भूतकाल कहते हैं, लोट लकार जिसको अज्ञात काल कहते हैं, और विधि लकार जिसे चाहिए तो विधि निमंत्रण के युग में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उनके लिए लकार और ज्ञान के लिए, तो देखिए उनके अपन को कर्ता क्रिया वचन ये भी याद होने चाहिए। तो देखिए साधारण वाक्य बनाएंगे तो उसमें क्या है, कर्ता साधन क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया, ठीक है। अब सुनिए क्या होती है, अपना जब वाक्य बनाते हैं उसमें देखिए कि अपने जो वाच जो बोले जाते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच, ठीक है। वाच अपने तीन होते हैं, कर्तृवाच नंबर 2, कर्मवाच और नंबर 3 भाववाच। अपना जो कर्तृवाच है नंबर 1, कर्तृवाच में कर्ता प्रमुख होता है, कौन होता है, कर्ता प्रमुख होता है जो करने वाला होता है, ठीक है। कर्तृवाच में कर्ता प्रयुक्त होता है, और
कर्ता और कर्म में आती है प्रथमा, कर्ता में कौन सी आती है प्रथमा, ठीक है, कर्म में आती है द्वितीया और क्रिया आती है कर्ता के अनुसार। एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया आएगी, द्विवचन का है तो द्विवचन क्रिया आएगी, बहुवचन का है तो बहुवचन क्रिया। ये अपने कर्तृवाच की पहचान है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार, ठीक है। यहां प्रथमा, यहां द्वितीया, ठीक है। कर्मवाचक संयम दूसरा ध्यान देने की बात है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार आती है लिंग पुरुष वचन के अनुसार, कर्ता के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया आती है। अब बात आती है कर्मवाचक, कर्मवाचक में देखिए, कर्मवाचक में कर्म की प्रधानता होती है, वहां तो कर्ता की प्रधानता होती है, यहां कर्म की प्रधानता होती है। तो इसमें जो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, जब वाक्य बनाएंगे तो क्या करेंगे, कर्ता में तो तृतीय व्यक्ति आएगी प्लस कर्म में प्रथमा आएगी और क्रिया जो आएगी वो कर्म के अनुसार आएगी और वो आएगी आत्मने पदे में। समझ रहे हो, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया आएगी कर्म के वचन लिंग के अनुसार, कर्म के वचन के अनुसार क्रिया आएगी, वो भी आत्मने पदे में आएगी, इसमें आएगी आत्मने पदे में, ठीक है। अब तीसरा है अपना भाववाच, भाववाच, ठीक है। यहां ये कर्तृवाच है, भाववाच में देखिए जो इसमें देखिए, इसमें भाव की प्रधानता होती है, क्या होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। तो देखिए कर्ता प्लस क्रिया, ठीक है, और कर्म इसमें होता ही नहीं, इसमें क्या नहीं होगा, कर्म इसमें होता ही नहीं है। तो देखिए कर्ता में तृतीया प्लस क्रिया आत्मने पदे में है, इसमें आएगी आत्मने पदे में और वो भी एक है। तो कर्ता में तृतीया, क्रिया आत्मने पदे में, कर्म इसमें होता ही नहीं। इस तरह से अपने वाक्य बनाते सबसे पहले हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है, कर्ता कर्म और क्रिया। अब देखिए कर्ता नंबर एक अपना था कर्ता, कर्ता जब अपन पहचान करेंगे तो कर्ता में किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, लिंग वचन और पुरुष, कि कर्ता कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है, वचन में एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है,
पुरुष में आ जाइए, कर्ता प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है। प्रथम पुरुष के कर्ता है पुल्लिंग में ये, स्त्रीलिंग में ये और नपुंसक लिंग में। ठीक है, मैं यहां समझा देता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए पुल्लिंग में जब चलते हैं तत् शब्द के, तो से एक वचन, एक वचन, ताऊ ये द्विवचन हो गया, और ते ये बहुवचन हो गया। ठीक है, यदि स्त्रीलिंग में चलेंगे वह, वे दोनों, वे सब, इनका अर्थ क्या होता है, वह वे दोनों वे सब। यदि वहां स्त्रीलिंग का आएगा तो यहां आएगा सा ते ता, इसका अर्थ क्या होता है, वह वे दोनों वे सब। क्या होता है वह, जैसे लड़की के लिए आता है वह तो सा, वे दोनों के लिए ते और वे सब के लिए ता। ठीक है, यदि नपुंसक लिंग में करना है तो यहां आएगा तत् ते और ता, वह वे दोनों और वे सब। उसके बाद देखिए मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो है, एक वचन में आएगा यहां आ जाएगा सीधे, एक वचन में आएगा तुम, जिसका अर्थ होता है तू या तुम, युवाम तुम दोनों, और युयाम तुम सब। ठीक है, देखिए तुम एक वचन में, तुम तू या तुम, युवा तुम दोनों, युयाम तुम सब। ठीक है, यदि तुम सब की संस्कृत बनानी तो युयाम आएगा, और यदि खाली तुम की संस्कृत बनाने तू या तुम की तो तुम आएगा, तुम दोनों की बनाएंगे तो युवाम आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके उत्तम पुरुष के कर्ता, केवल ये अपन जो बता रहे हैं वो एक उसमें बता रहे हैं। उसके बाद देखिए उत्तम पुरुष के में अहम क्या आएगा, एक वचन में है, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। ठीक है, ये कर्ता हो गए उत्तम पुरुष के, क्या हो गए, ये प्रथम पुरुष के कर्ता हो गए, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हो गए, और ये मध्यम पुरुष के कर्ता। जरा सा थोड़ा सा जान लेने की आवश्यकता है, स्त्रीलिंग में यदि आता है सा, अब देखिए इनके साथ क्रिया क्या आती है, इन सब के साथ एक वचन वालों के साथ भी क्रिया जो आएगी, यहां इनके साथ जो क्रिया आएगी वो आएगी ती, सबके साथ क्रिया क्या आएगी, ती आएगी क्रिया। क्रिया क्या आएगी, ती, एक वचन वालों के साथ ये क्रिया ती है, ध्यान देने, ये मैं इस तरह से बोलने लगा रहा हूं। यदि वह जाता है तो सा रचती, वह जाती है, वह जाता है से रचती, वह जाती है सा रचती, और वह फल है तत्। यदि वे दोनों भी आते हैं तो इन सब के साथ जो क्रिया आएंगी वो क्रिया आएगी तय, क्या आएगी तय, ती तय। और यदि वे सब आते हैं तो इन सब के साथ जो क्रिया आएगी वो आएगी अंति। अब देखिए वे जाते हैं तो वे की संस्कृत वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति, पता लग गए वो जाते हैं, क्या है पुल्लिंग है, वे सब जाती हैं तो ता गच्छन्ति, वे सब फलें तानी फलानी,
कहानी फलानी। ठीक है, अब यहां देखिए ये तो हो गए कर्ता, क्या हो गए कर्ता। अब मध्यम पुरुष की क्रिया देखिए क्या आएगी, यहां मध्यम पुरुष की क्रिया है त्वम के साथ हमेशा आता है सी, त्वम के साथ क्या आता है सी, युवाम के साथ आता है ख, विसर्ग वाला, और यूयम के साथ आता है ख। तो एक बार ध्यान नोट कर लो कि मध्यम पुरुष बहुवचन किसी भी लकार में पुरुष में वचन में ना तो हलंत होता है और ना विसर्ग लगता है। मध्यम पुरुष बहुवचन किसी भी लकार में ना तो हलंत लगता है और ना ही त्वम युवाम यूयम और अहम भावाम वयम। तो अब देखिए उसके बाद है अहम, अहम के ये कर्ता हो गए उत्तम पुरुष के, और अब यहां नीचे लिखता हूं अहम के साथ क्रिया क्या लगती है। ठीक है, तो यहां आएगी आमी, आम है और आम है, आमी आम है और आम है। जैसे मैं जाता हूं पता लग गया कि मैं उत्तम पुरुष का है, कौन से लिंग में है जाता हूं पुल्लिंग में है, तो अहम जाने की होती है गाज और उसके साथ क्या लगे क्रिया आम। और यदि स्त्रीलिंग मैं जाती हूं तो अभी इसमें ये आएगा क्योंकि इसमें कोई लिंग पुरुष वचन नहीं है। हम दोनों जाते हैं तो आवाम गच्छा में, हम सब जाते हैं व्याम गच्छा में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कर्ता के लिंग पुरुष वचन इनको जानना, और पुरुष इनको जानना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के अपन अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कर्तृवाच में कर्ता की प्रमुखता होती है, और कर्तृवाचन जो वाक्य बनाते हैं तो उसमें कर्ता में प्रथम आती है, कर्म में द्वितीय आती है, क्रिया कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार आती है, क्रिया कर्ता के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार आती है। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन। ठीक है, और कर्म वाच में देखिए कर्म की प्रधानता होती है, और इसमें कर्ता में तृतीय व्यक्ति आती है, कर्म में प्रथमा आती है, और क्रिया कर्म के वचन के अनुसार ही आती है। भाववाच इसमें भाव की प्रधानता होती है, भाववाच में कर्ता में तृतीय होती है, कर्म होता ही नहीं, क्रिया आत्मनिपदे में आती है और ज्यादातर एक वचन। ठीक है, ये अपना जो हिंदी से संस्कृत बनाने हैं, तो ये डायग्राम जिसको पूरा आ गया उसको अपने अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी हिंदी से संस्कृत बनाने में। जरा सी बात है, इन चीजों को ध्यान रखना, इसके बाद बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये करता हो गया। ठीक है, अब देखिए कर्म जिस कार्य को किया जाता है, जिस कार्य को किया जाता है वो कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म में कर्म चिन्ह होता है, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म को होता है को। ठीक है, जैसे वह विद्यालय को जाता है। ठीक है, कर्ता कौन हो गया वह, कर्म क्या है उसका विद्यालय, और क्रिया क्या हो गई उसकी जाना, क्रिया क्या हो गई जाना, भाई वो जा रहा है किस काम के लिए जा रहा है विद्यालय को जा रहा है, तो वह की संस्कृत पता लग गई जा रहा है जाता है पुल्लिंग में है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति लगानी है। द्वितीय व्यक्ति में क्या करते हैं एक वचन में मैं जोड़ते हैं। ठीक है ना, एक वचन में मैं जोड़ते हैं, तो विद्यालय जाने की होती है गच्छ, कौन से उसका है एक वचन है, तो गच्छति हो जाएगा, क्या हो जाएगा गच्छति हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखें, मान लीजिए सीधा सा वाक्य है अपना, वह पढ़ता है, छोटा सा वाक्य। अब देखिए केवल वह पढ़ता है, ता है, ते है, रा है, रहे है, ये सब किसमें आते हैं, वर्तमान काल में आते हैं, लटलकार होता है। तो देखिए अपन को यहाँ क्या करना है, यहाँ करता है, ठीक है, करता कौन सा है, पुल्लिंग का है, एक वचन है, तो से आ रहा है, क्या करता है वो, पढ़ना, ठीक है, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई, ये पढ़ लेते हैं। लेकिन अपन ने क्या बताया कि क्रिया कर्ता के लिंग और पुरुष और वचन के अनुसार आती है। कर्ता कौन सा, एक वचन का है, पुल्लिंग का है, तो क्रिया क्या आएगी, ती आएगी, क्या आएगी, से पढ़ती। यदि बात बनाए वह पुस्तक, इसमें क्रम दे देते हैं, पढ़ती है, वह पुस्तक, अब यहां को छुपा हुआ है, पुस्तक को पढ़ती है, तो कर्ता क्या हो गया वह, तो अब देखिए पढ़ती है, कौन सा लिंग है, स्त्री लिंग है, कौन सा लिंग है, स्त्री लिंग, एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या आएगा, सा, 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 ठीक है। क्रम है, क्रम में क्या लगानी है, द्वितीया, तो पुस्तकम, ठीक है, पढ़ने की होती है पठ, तो कर्ता कौन से है, एक वचन का है, तो क्रिया भी क्या आएगी, ती आएगी, तो यहाँ आ गया ती, सा पुस्तकम, सा पुस्तकम, मैं पुस्तक पढ़ती है। अब देखिए तीसरा वाक्य, वह फल है, तो वह फलम और है कि बनाने तो अस्ति, तत्फलम अस्ति, वह फल है। ये सामान्य वाक्य है, छोटे छोटे वाक्यों से ही बड़े वाक्य बनते हैं, लेकिन उसके लिए ये सामान्य जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जिसको हिंदी से संस्कृत बनाना सीखना है, वो सबसे पहले इन चीज़ों का ज्ञान अवश्य कर ले, अवश्य रूप से कर ले। अपने एस आर ए बी पी लक्ष्मणगढ़ के ग्रुप यूट्यूब चैनल पर अपनी ये सारी व्याकरण की अब तक की पढ़ाई गई संधि समास प्रत्यय उपसर्ग कारक विभक्ति सारी चीज़ उसमें मिलेंगी, वहीं आपको ये अनुवाद प्रकरण मिलेगा और अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे उसमें मिलेगा। तो सबसे पहले किसी भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है और उसमें भी ये चीज़ें जानना आवश्यक है।